आगे बढ़ते हैं डायलॉग विद जेसी में। मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेप्तुल्ला ने ट्रिपल तलाक के मामले में केंद्र सरकार के दखल की सराहना की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रास रूट लेवल पर विकास का काम करने को लेकर जमकर तारीफ भी की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद। जी मीडिया के खास शो डायलॉग विद जेसी में इस बार की मेहमान है मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेप्तुल्ला। राज्यसभा की पूर्व उपसभापति और पूर्व केंद्रीय मंत्री नजमा हेप्तुल्ला से जी मीडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जी रीजनल चैनल्स के सीईओ जगदीश चंद्र ने कई मुद्दों पर बेबाकी से बात की। आने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए नजमा हेप्तुल्ला ने कहा कि सही तस्वीर नाम सामने आने के बाद ही बनेगी, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा हो जिससे देश भर में एक संदेश जाए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपोजिशन यूनाइट हो रहा है, क्या लगता है सक्सेस होंगे वो लोग? डिपेंड करता है कैंडिडेट कौन है, इसलिए कह रहे हैं, पर कोई ऐसे नाम तो आए नहीं है जिस पे यूनिटी हो सके, क्योंकि देश के पास ये दो पोजीशंस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन। ऐसे ही नहीं बना देना कि किसी को भी बना दिया, ऐसा बनाए जो देश के अंदर एक मैसेज जाए। नरेंद्र मोदी जी ने जो भी काम किया उससे एक मैसेज गया, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी एक मैसेज भेजा। सुर्खियों में छाए ट्रिपल तलाक के मसले पर नजमा हेप्तुल्ला ने कहा कि ये एक समुदाय की आधी आबादी के अधिकार का मामला है और मोदी जी को सबका साथ सबका विकास की चिंता है। बल्कि अभी जब ये ट्रिपल तलाक की बात हुई तो मुझे किसी ने कहा नरेंद्र मोदी दखल दे रहे हैं मुस्लिम औरतों के मामले। मैंने कहा तुम तो कहते हो कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ हैं, आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ है, फिर यूँ क्यों कह रहे हो कि वो मुसलमान औरतों के हक के लिए बात कर रहे हैं। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास चाहते, और अगर एक मुल्क के किसी समुदाय के 50% लोगों के साथ कोई अन्याय हो रहा है, सही माने में जो उनके हक हैं वो उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं, तो उसके लिए तो कोई भी सेंसिबल आदमी होगा, जो आदमी ह्यूमैनिटेरियन तरीके पे सोचता है, जो चाहता है कि सबको उसके हक मिले, वो तो यकीनन बोलेगा उसके ऊपर। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर हुई छापेमारी पर मणिपुर की राज्यपाल ने कहा कि इस कार्रवाई पर इतना हंगामा नहीं होना चाहिए, अगर सही है तो डरने की क्या जरूरत है। तो आज चिदम्बरम पे लालू यादव पे छापे पड़े हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार पॉलिटिकल वेंडेटा कर रही है। देखिए जब आदमी कोई गलत काम करता है तो उसको ये तो पता होगा कि जेल पकड़ा जाएगा, और अगर गलत काम नहीं किया है तो कोई परवाह नहीं है, छापा डालो, खुली किताब है जहाँ से उठाओ पढ़ लो। तो ये अगर किसी ने गलत छापा डाला है तो पता लग जाएगा, और सही है तो वो भी पता लग जाएगा। हमारे यहाँ कहते हैं नाव नाव बाल कितने, उनका जुजवान जी सामने आने वाले, तो यही है। नजमा हेप्तुल्ला ने ये भी कहा कि सियासत में वो समाज सेवा के लिए आई थी, और जब काम करने का मौका मिला तो उन्होंने लोगों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।